ही नाम, मेरा ही नाम शिखर अग्रवाल है, मैं बीजेपी का शानेगर नगर अध्यक्ष युवा मोर्चा का हूं। जो घटना कल घटी थी, उस घटना को मीडिया ने, पुलिसकर्मियों ने, सभी ने तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीकों से पेश किया गया है। मैं पूरी घटना की सच्चाई आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं राइटिस्ट सपोर्टर हूं। राइटिस्ट सपोर्टर से मतलब ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करता हूं जो गाय, गंगा और गायत्री को देश में स्थापित रखना चाहती हैं, हमेशा रखना चाहती हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। वैसे तो मैं डॉक्टरी का एक छात्र भी हूं, BAMS आयुर्वेद से शिक्षा जो डॉक्टरी की होती है उसे अलीगढ़ में ले रहा हूं। कल मैं जब जा रहा था, मुझे इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी, जब मैं कल जा रहा था निकला हुआ, तब मैंने देखा कि कुछ लोग महाव के ग्राम में जंगलों में गाय की अवशेषों के लिए लेकर जा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। मैं भी उन लोगों के साथ वहां पहुंचा, मैंने वहां देखा गाय के माता के मृत अवशेष वहां पे पड़े हुए थे, जिन्हें ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर हम लोग लेकर चिंगरावटी पुलिस चौकी पर आने लगे। तो बीच में कोतवाल इंस्पेक्टर शहीद श्रीमान सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि ये ट्रैक्टर नहीं जाएगा। हमने कहा साहब ये ट्रैक्टर तो जनता के सामने आना ही चाहिए, सत्यता का पता लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन अवशेषों को यहीं दबाएंगे। हमसे उनकी बहुत देर बात हुई, उसके बाद हम लोग ट्रैक्टर लेके आ गए। उपजिलाधिकारी अविनाश चंद्र मौर्य शाना ने मुझसे बातें करी, मैंने उन्हें बताया। कोतवाल साहब ने मुझे डायरेक्ट जान से मारने की धमकी दी कि तुझे गोली मार दूंगा और जो भी तेरे साथ आएगा सबको गोली मार दूंगा। मैंने अविनाश चंद्र मौर्य जी को बताया कि वो मुझे गोली मारने की कह रहे हैं। इस बात की वीडियो भी मौजूद है, जब मैं अविनाश चंद्र जी से कह रहा था, अविनाश मौर्य जी बोले कि कोई नहीं मारेगा, तुम बेफिक्र निकल जाओ यहां से और मेरी जिम्मेदारी है कि FIR दर्ज होगी। मैं तहरीर अविनाश चंद्र मौर्य जी के हाथों में योगेश द्वारा लिखी हुई तहरीर पकड़ाकर खुद वहां से निकल गया था। उसके बाद जो कोतवाल सुबोध कुमार सिंह है, इन्होंने जानबूझ के वहां पे केवल कि वो मुकदमा पंजीकृत ना हो, माहौल को उपद्रव भी कर दिया और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर दिया। कोतवाल सुबोध कुमार सिंह शुरू से लेके आखिर तक, वो किसी सूचना पे नहीं आए थे, शुरू से लेके आखिर तक पूरे मुकदमे में थे। ऐसा नहीं है जो पुलिस ने बताया है कि कोतवाल सुबोध कुमार सिंह को फोन करके बुलाया गया, वो वहां पे आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ पूरा प्रकरण सुबोध कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि शाने का बच्चा बच्चा जानता है कि सुबोध कुमार सिंह कितने ज्यादा करप्ट और कैसे इंसान थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से जारी करके हमारी माताओं पर प्रहार करवाया है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे सरकार जांच कर ले, मुझे योगी सरकार पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे, प्रदेश सरकार पे पूर्ण रूप से भरोसा है कि ये सरकार, चाहे मैं दोषी हूं तो मुझे सूली पे लटका दिया जाए और अगर मैं दोषी ना हूं तो मेरे साथ कुछ ना करा जाए। कल रात पुलिस ने बदला लेने के लिए मेरा पूरा घर तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। क्या अधिकार है पुलिस को मेरा घर तोड़ने का? कौन है पुलिस? इंसान को यह समझना चाहिए, पुलिस को भी यह समझना चाहिए, ये शक्तियां जनता की सेवा के लिए निहित की गई हैं, ये गुंडागर्दी फैलाने के लिए निहित नहीं की गई हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सच्चाई को, सत्यता को सबके सामने प्रकाशित किया जाए। जब पता लगेगा और शाने के एक एक आमजन की गवाही ली जाए, ये मुकदमा छोटा नहीं है, पूरे देश को इसका पता लगेगा कि हमारे ऊपर क्या बीत रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम।